दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 लैपटॉप या फिर पीसी यूज करते हैं और विंडोज 10 का जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है इंग्लिश, उसको अगर आप चेंज करके अपने किसी भी रीजनल लैंग्वेज को विंडोज 10 का डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं, तो ये विंडोज 10 में करना बहुत ही आसान है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो आप विंडोज 10 के डिफॉल्ट लैंग्वेज को हिंदी में सेट कर सकते हैं और अपने विंडोज 10 को आप हिंदी में यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है जैसे कि पंजाबी, गुजराती, मराठी या फिर मलयाली, उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप विंडोज 10 के डिफॉल्ट लैंग्वेज को अपने रीजनल लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, हर किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप विंडोज 10 को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, विंडोज 10 के डिफॉल्ट लैंग्वेज को आप अपने रीजनल लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, उसमें आप सेट कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप विंडोज 10 को यूज कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, यही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे विंडोज सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे यहीं पे देखिए आपको टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ रीजन के नीचे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज का पेज ओपन हो जाएगा। आप अपने विंडोज के लैंग्वेज को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बशर्ते वो लैंग्वेज आपके विंडोज के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे लैपटॉप में विंडोज के अंदर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और इंग्लिश इंडिया, ये तो पहले से ही डिफॉल्ट लैंग्वेज इंस्टॉल है, लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे देखिए हिंदी लैंग्वेज को भी इंस्टॉल किया है। तो चलिए आप जानते हैं कि अगर आपको अपने विंडोज के अंदर कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, फिर उस लैंग्वेज को आप अपने विंडोज का डिफॉल्ट लैंग्वेज कैसे सेट करेंगे। तो कोई भी लैंग्वेज सेट इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रीफर्ड लैंग्वेज, ये प्लस का साइन दिया है, एड अ प्रीफर्ड लैंग्वेज, इस पे आपको क्लिक करना है। ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको चूज अ लैंग्वेज टू इंस्टॉल, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे और किस लैंग्वेज में कौन कौन से फीचर मिलते हैं वो सारे आपको इसके आगे दिखेंगे। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज के अंदर चार फीचर मिलते हैं। पहला फीचर मिलता है आपको डिस्प्ले लैंग्वेज का, दूसरा टेक्स्ट टू स्पीच, तीसरा स्पीच की रिकॉग्निशन। ये फीचर जिसमें मिलता है उसमें आप उस लैंग्वेज में कोटाना को भी यूज कर सकते हैं, कोटाना को आप बोलकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और चौथा है हैंडराइटिंग का। यहाँ पर देखिए हर लैंग्वेज के आगे वो सारे फीचर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि अब इंस्टॉल कैसे करना है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टॉल करना है, अगर आप कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप उस लैंग्वेज के टच में रहें ताकि उस पर आपका पकड़ मजबूत हो, ठीक है। तो अगर आप अपने विंडोज के डिफॉल्ट लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में सेट कर देते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे देखिए अगर आपको डच लैंग्वेज इंस्टॉल करना है, उसको अपने विंडोज का डिफॉल्ट लैंग्वेज बनाना है, तो मैंने सर्च बॉक्स में यहाँ पे देखे डच टाइप किया। डच में दो होता है, एक बेल्जियम का डच है लैंग्वेज और दूसरा है नीदरलैंड्स का। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे आपको फीचर दिख जाएगा। पहला फीचर इसमें मिलता है डिस्प्ले लैंग्वेज का, दूसरा फीचर इसमें आपको मिलता है टेक्स्ट टू स्पीच का, और तीसरा फीचर मिलता है हैंडराइटिंग का। इसके अंदर आपको स्पीच रिकॉग्निशन का फीचर नहीं मिलता है। वैसे अगर आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज इंस्टॉल करना है, जैसे कि अगर आपको तमिल इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे देखिए तमिल में भी आपको दो मिलेगा, तमिल इंडिया, तमिल श्रीलंका। तमिल इंडिया के अंदर आपको दो फीचर मिलता है, पहला तो डिस्प्ले लैंग्वेज का और दूसरा मिलता है हैंडराइटिंग का, ठीक है। अब इसके जगह आपका हिंदी भी हो सकता है, कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। अब अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है, इसे आपको सिलेक्ट करना है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, सेट एज माय डिस्प्ले लैंग्वेज। अगर आप इसको यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं तो ये इंस्टॉल होने के बाद से आपका कंप्यूटर लॉग ऑफ होगा। लॉग ऑफ होने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, ये लैंग्वेज ऑटोमेटिक आपका विंडोज का डिफॉल्ट लैंग्वेज हो जाएगा। तो अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूं। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये लैंग्वेज आपके विंडोज के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके कंप्यूटर के अंदर दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट का स्पीड क्या है, कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है उतना जल्दी ये इंस्टॉल होगा। फिर भी यहाँ पे 4 से 5 मिनट टाइम तो लग ही जाएगा। अब चलिए जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम जान लेते हैं कि लैंग्वेज को डिफॉल्ट लैंग्वेज कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी लैंग्वेज पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करने के लिए ऊपर आना है, आपको यहाँ इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है। जितने लैंग्वेज आपने इंस्टॉल किए होंगे उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हिंदी मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, तमिल ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद से यहाँ पे तमिल भी शो करेगा। तो अगर आपको अपने विंडोज के डिफॉल्ट लैंग्वेज को हिंदी में चेंज करना है, हिंदी में सेट करना है,
तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से ये आपको यहाँ पे देखिए पॉपअप मैसेज दिखेगा, सेटिंग विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज, विंडोज नीड्स टू साइन यू आउट इन ऑर्डर टू फुल्ली अप्लाई द न्यू लैंग्वेज कंटिन्यू। यहाँ पे अगर आप यस साइन आउट नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ आपका यहाँ पे कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा। लॉग ऑफ होने के बाद से आप दोबारा वहां पे पासवर्ड डालेंगे, इंटर करेंगे तो वो आपको उस लैंग्वेज में आप वो आपका विंडोज दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस साइन आउट नाउ, आपका सिस्टम यहाँ पे लॉग ऑफ होगा। दोबारा आप लॉग इन करने जाएंगे विंडोज पे, अगर आपने पासवर्ड सेट कर रखा है तो आपका पासवर्ड तो होता है इंग्लिश में, ठीक है। आपने लैंग्वेज चेंज कर दिया है तो वहां पे आपको नीचे यहाँ पे चेक कर लेना है, उस लैंग्वेज को दोबारा इंग्लिश में चेंज करना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है, सिर्फ पासवर्ड के लिए। उसके बाद तो ऑटोमेटिक आपका जो डिस्प्ले दिखेगा वो उस लैंग्वेज में दिखेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप पासवर्ड डालेंगे तो उस लैंग्वेज में पासवर्ड डालेगा और वहां पे आपका पासवर्ड गलत बताएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूं और फिर मैं आपको अपना डिस्प्ले दिखाता हूं। तो दोस्तों लॉग ऑफ करने के बाद से दोबारा मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और अब मेरे विंडोज का डिफॉल्ट लैंग्वेज हो गया है हिंदी। यहाँ पर देखिए मैं डेस्कटॉप पे ही राइट माउस क्लिक करता हूँ, आपको सब कुछ अब यहाँ पे हिंदी में दिखेगा। दिल्ली से इसे सेट करें, ताजा करें यानी कि रिफ्रेश करें, नया अगर आपको कोई भी नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ देखिए फोल्डर आ गया। अगर आपको हिंदी आता है तो आप इसमें हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और नया फोल्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिस पीसी को ओपन करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ आपको हिंदी में दिखेगा। 3G ऑफ डेस्क, चित्र, डाउनलोड, डेस्कटॉप, दस्तावेज, वीडियो, संगीत, यहाँ पे स्थानीय डिस्क, यहाँ पे जो आपको इंग्लिश में दिख रहा है क्योंकि ये विंडोज इंस्टॉल करने के बाद में मैंने इसको क्रिएट किया है, इसलिए आपको यहाँ पे ये इंग्लिश में दिख रहा है। और ये एप्लीकेशन तो इंग्लिश में ही दिखेंगे क्योंकि वो तो विंडोज के है नहीं, वो अलग से है तो वो आपको वहां पे दिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ, सेटिंग ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं विंडोज सेटिंग पेज को ओपन करता हूँ यहाँ पे, और वहां पे भी आपको जितने भी सब कुछ दिखेंगे वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखिए हिंदी में ही दिखेगा, जो भी आप लैंग्वेज सेट करेंगे उस लैंग्वेज में ही दिखेगा। फिर से मैं यहाँ पे देखिए समय एंड भाषा पे गया, यानी कि टाइम एंड लैंग्वेज पे, क्षेत्र के नीचे यहाँ पे देखिए आपको भाषा मिल गया, भाषा पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो तमिल लैंग्वेज इंस्टॉल किया था वो लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद से अगर आपको इसको सेट करना है तो वापस आपको यहाँ इस रेडियो बटन पे आना है। अब यहाँ पे देखिए तमिल लैंग्वेज भी शो कर रहा है, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। वापस अगर आपको इसको इंग्लिश लैंग्वेज में सेट करना है तो यहाँ से आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और वापस यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करेंगे और वापस आप इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएंगे, या जिस भी लैंग्वेज को आप सेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे सेट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।